एंड लिटरली आर इट्स डैम ह्यूज। इंडिगो, योर वेल बीइंग इज अवर हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड आवर एयरक्राफ्ट्स आर थॉरली सैनिटाइज्ड। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप सबके सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। सो गाइस, आज जो है वो है हमारा लास्ट डे इन पटना। बाकी 20 दिन का ये सफर इतनी जल्दी गुजर गया पता ही नहीं चला। और 25th को आए थे दिसंबर में, जनवरी में जा रहे हैं 15th को, और बहुत ही जल्दी गुजर गया ये दिन फैमिली के साथ। लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया टाइम स्पेंड करके। बहुत दिनों बाद आया था, 3 साल बाद मैं पटना आया था। बाकी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सो गाइज, अब बात करते हैं मेरे एज की, और एज जो है वो है मेरी 19 ईयर्स। और आप लोग सोचोगे अचानक बात एज पे कहाँ से आ गई, तो मैं आपको बताता हूँ कि 19 साल का हूँ मैं, और 19 साल हो गए मुझे कि मैं आज तक भी अभी तक प्लेन में नहीं बैठा। तो बहुत सारे लोगों के लिए, आपके लिए बहुत नॉर्मल बात होगी, लेकिन मेरे लिए आज बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बैठने वाला हूँ प्लेन में। बहुत सारे लोग हंस रहे होंगे सुन के कि क्या ये प्लेन ही तो है, लेकिन गाइस मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप देख ही रहे होगे, फेस से ही पता चल रहा होगा कि मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और बहुत ही ज़्यादा नर्वस भी हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अभी ज़ीरो नॉलेज है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि कैसे क्या होता है प्रोसीजर, बोर्डिंग पास वगैरह से लेकर मतलब फ़्लाइट में बैठने तक का एक भी 0% नॉलेज है मेरे पास। और बाकी उसकी दिक्कत नहीं है, वो जाके हम लोग पता वाता पूछ पूछ करके वो मैं मैनेज कर लूँगा। बाकी आज जो है, मतलब मैं क्या ही, मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं जब भी प्लेन की फ़्लाइट की टिकट कटवाता था, कुछ ना कुछ रीज़न से, मतलब या तो कैंसिल हो जाता था या कुछ अभी आ जाता था, नहीं हुआ जाना। पर आज, आज जो है हम लोग फाइनली जा रहे हैं, और मैं बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ, ये आप लोग देख सकते हो। जूते डाल लिए, क्योंकि अभी जस्ट 5 से 10 मिनट में हम लोग निकलने वाले हैं। टाइम हो रहा है 11, और फ्लाइट जो है वो है हमारी 2:20 की। 1 घंटा में यहाँ पे हमें जाने में लग जाएगा, तो बस हम लोग थोड़ी देर में अब निकलने वाले हैं। और 2:20 की फ़्लाइट है, मैं जा रहा हूँ, मम्मी जा रही हैं, और खाला जा रही हैं, और उनके 2 बेटे जा रहे हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वीडियो होने वाली है, और पूरा एक्सपीरियंस दिखाने वाला हूँ, फर्स्ट एक्सपीरियंस बिल्कुल। मतलब मैं अभी भी कुछ आउट ऑफ वर्ड्स हूँ, मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। बाकी खुशी आप लोग देख ही रहे होंगे, और अब चलते हैं और दिखाते हैं आपको आगे का सफ़र। सो गाइज, रीच टू दी एयरपोर्ट, अब चलते हैं अंदर और चेकिंग करवाते हैं। सो गाइज, सबसे पहले जो है यहाँ से होती है चेकिंग, चेक इन करवाते हैं और फिर निकलते हैं अंदर। सो गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि वेब चेक इन वगैरह तो करवा लिया है और बोर्डिंग पास भी ले लिया है, बाकी अभी जो है खाला का वेट हो रहा है, उसके बाद 5 से 10 मिनट में अंदर चलते हैं। और फ़ोन ऊपर करके मैं शूट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे हैं, मतलब इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। मतलब बाहर भी मुझे रोक लिया था कि क्यों शूट कर रहे हो, 3-4 क्लिप्स डिलीट करवाई, उसके बाद छोड़ा है। और अब जो है अभी लगेज जो है, हैंड लगेज जो है वो चेक हो रहा था, तो माइक तक निकलवा लिया। माइक कह रहे हैं निकाल के आओ, तो बताओ ऐसी स्ट्रिक्टनेस है, कह रहे हैं माइक है क्या है, मतलब वो सोच क्या ही समझ रहे हैं, अब पता नहीं। अब बस खाला का वेट हो रहा है, उसके बाद निकलते हैं। बाकी गाइस, अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 1:15, 2:20 या 2:25 की फ़्लाइट है, और 40 मिनट वेट तो करना ही पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बस जल्दी से बोर्डिंग स्टार्ट हो, उसके बाद ऊपर आसमान की ऊंचाइयों में चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। सो गाइस, अभी मैं नीचे से ऊपर आया था लॉन्च की तरफ, और मेरे जस्ट सामने से अभी इतने नज़दीक से प्लेन गुजरा है ना, बस 3 से 4 सेकंड से लेट हो गया, आपको दिखाता वरना। बाकी अभी यहीं पर खड़ा हुआ हूँ मैं, और देखता हूँ कोई गुजरे तो आपको दिखाता हूँ फिर। बाकी मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बस जल्दी से टाइम गुजरे, प्लेन आए और हम लोग टेक ऑफ करें। सो गाइज, फाइनली बोर्डिंग ऑन द प्लेन एंड लिटरली यार इट्स डैम ह्यूज। बाकी गाइज, अब जो है अंदर चलते हैं और अंदर का एक्सपीरियंस लेते हैं, और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ,
अंदर जाने के लिए और हवा में उड़ने के लिए, क्योंकि एज आई सेड इट्स माय फर्स्ट टाइम, तो देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है, तो लेट्स गो। सो मेरी सीट जो है वो पीछे से और मम्मी वगैरह आगे बैठी हुई है, तो अब चलते हैं ऊपर, बाकी देख लो आवाज। अब चलते हैं ऊपर, काश मुझे ये विंग्स वाली जगह मिल जाए, मजा आ जाएगा। सीट नंबर 27। सो गाइस बैड लक, और विंडो सीट नहीं मिली, मिडिल सीट मिल चुकी है, और मतलब 5 टिकट में से एक भी विंडो सीट नहीं है, सारी मिडिल और कॉर्नर, मतलब ये वाली सीट है, और कोई नहीं, अब देखते हैं जो बराबर में आते हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि दे दें, क्या पता मिल जाए। और बाकी देख सकते हो कुछ ऐसा व्यू है पीछे का, और ये आप लोग देख सकते हो। बाकी अभी तक तो सब सही जा रहा है, लेट्स सी। पर एक बात का तो दुख रहेगा, विंडो सीट नहीं मिली। ये देख सकते हो आप, ये सीट खाली है, या तो इस पे कोई आए ना, या अगर आए तो रिक्वेस्ट करते हैं कि दे दें काश। बाकी सीट जो है बहुत ही ज़्यादा सही है, क्योंकि बिल्कुल विंग्स के पास है, बहुत प्यारा व्यू आएगा। सो गाइस देख सकते हो आप लोग, मैं जो है अभी विंडो सीट पे बैठा हुआ हूँ, और बस यही होप कर रहा हूँ कि जिसकी भी सीट हो वो आए ना, और अगर आए तो उससे रिक्वेस्ट करूँ और वो दे दे, क्योंकि एक तो फर्स्ट फ्लाइट और ऊपर से विंडो सीट नहीं मिली, सोच सकते हो कितना ही दुख हो रहा होगा। बाकी व्यू तो दिखा सकते हो, रिव्यू दिखाओ वहाँ का, रिव्यू तो काफ़ी सही है, बस टाइम हो रहा है आई थिंक 2:17, 6-7 मिनट और हैं उसके बाद। सो गाइस भैया ने बैठने दिया हमें, और अब मैं खुश हूँ पूरा, अच्छे से पूरी फ्लाइट का मैं व्यू लेने वाला हूँ, पूरी फ्लाइट का एंजॉयमेंट मिलने वाला है आज मुझे, और धीरे बात करना पड़ रहा है क्योंकि सब देख रहे हैं। बाकी अभी जो है बस जल्दी से फ्लाइट पूरे और हम लोग निकले। एक और अच्छी बात है इस सीट की, दोनों खिड़की का व्यू मिलेगा हमें, और बाकी में सिर्फ एक एक खिड़कियों का व्यू है। सो अभी जो है शायद टेक ऑफ करने वाले हैं, क्योंकि सब सारी मशीन्स वगैरह देख सकते हो साइड हट रही हैं, और नीचे जो है इंजीनियर्स और पायलट्स वगैरह सब इंस्पेक्शन ले रहे हैं, राउंड कर रहे हैं। और मैंने फ्लाइंग बीस्ट के व्लॉग्स में देखा था कि वो कैसे पूरा राउंड लेते हैं, पूरा कवर करते हैं प्लेन को, कि कोई दिक्कत है या नहीं। अब सामने से देख रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। Ladies and gentlemen, welcome to Indigo. This is your captain speaking. I hope you have settled down. If not, kindly do so. जाएंगे आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए ऐसे अपनी ओर खींचे। So guys, प्लेन जो है अभी बैक ले रहे हैं, हमारे आज और बस कुछ ही मिनटों में टेक ऑफ होने वाला है। Indigo, your well-being is our highest priority, and our aircrafts are thoroughly sanitized. So guys, ready to take off. So guys, धीरे धीरे प्लेन टेक ऑफ कर रही है, और वो फील करना है, वो क्या फीलिंग होती है जब टेक ऑफ रहता है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेट्स सी हाउ इट गोज। स्पीड बहुत तेज बढ़ चुकी है और बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, मैं तो सीट को नीचे पकड़ के बैठा हुआ हूँ। अबे भाई, व्हाट अ नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। सो गाइस विंग्स डाउन हो चुके हैं, और नीचे का आप लोग देख सकते हो,
अब नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा, पूरा क्लाउड से कवर हो चुका है। ये देख सकते हो पूरा जो है क्लाउड से कवर हो चुका है नीचे। All these ones and zeros, nothing in between. But there's so much more to me than eyes can see. So guys, ये आप लोग देख सकते हो, this is the washroom. और ऐसा कुछ है, बाकी बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट एरिया है, एक से ज्यादा बंदा नहीं फिट ही नहीं आ पाएगा। और ये सारी आपको यहाँ पे टिश्यूज मिल जाएंगे, और ये तो कुछ भी नहीं है, फ्लश एरिया ये है, और ये वेस्ट बिन। बाकी और कुछ तो इसमें ज्यादातर है नहीं, बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट एरिया है। कुछ ही समय में हम निर्धारित स्थान पर पहुंचे। एक मिरर ये है, जो वस्तुएं आप एक मिरर ये है, और आप लोग देख सकते हो मैं बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूँ, और इससे ज्यादा कोई जगह नहीं है, आगे से जगह है और पीछे बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक इट्स टाइम टू लैंड। प्लेन की स्पीड बहुत ही ज्यादा फील हो रही है। पता नहीं कैमरा जस्टिस कर रहा है या नहीं, लेकिन सही में बहुत ज्यादा स्पीड फील हो रही है, और हवा चीरते हुए निकल रहे हैं। मन तो कर रहा है कैप्टन से बोल दूं, भाई 200-400 एक्स्ट्रा ले ले, पर लैंड मत करवा, पर क्या कर सकते हैं, बस कुछ ही देर में लैंड करने वाले हैं, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, और विंग्स जो हैं देख सकते हो आप, विंग्स भी खुल चुकी हैं। ये टर्न टर्न टर्न, एंड we landed. Whoa. Wings को देखो भाई, उतना पता नहीं चला, टेक ऑफ में ज्यादा फील हुआ था, लैंडिंग में इतना कोई खास मज़ा नहीं आया, टेक ऑफ में अच्छा मज़ा आया था। बाकी बहुत ही सही एक्सपीरियंस था, बेस्ट एक्सपीरियंस कह सकते हैं, और काफ़ी स्मूथली लैंड करवा दिया। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, सारी एयर इंडिया की प्लेन्स जो हैं वो सारी पार्कड हैं, और हम जो हैं वो पहुँचे हैं टर्मिनल 2 पे। तो टर्मिनल 2 पे लैंडिंग हुई है, अब बस अपने स्टॉपेज पे जा रही है प्लेन, एंड वी रीच्ड टू आवर डेस्टिनेशन। आई थिंक ये जो सेक्शन जो है अपलिफ्ट करा है, ये शायद लगेज वगैरह का सेक्शन है, और लगेज निकाल रहे हैं। नाउ लेट्स गो। सो गाइस, हम जो है पहुंच चुके हैं टर्मिनल 2 पे, और बैगेज का वेट कर रहे हैं बैगेज एरिया में। जैसे ही आ जाते हैं सारे सामान, उसके बाद निकलते हैं घर। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं आ चुका हूँ वापस घर, और बहुत ही बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरी फर्स्ट फ्लाइट का, और बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए न्यू थी, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं आई उसमें। इंडिगो के क्रू मेंबर्स वगैरह से पूछ पूछ के सब हो गया था। बाकी इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। सो इफ यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन, जिससे आपको पता चल जाएगा माय नेक्स्ट वीडियो गोज लाइव। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब खैर।